রাজ্যে যাত্রী পরিষেবা বাড়াতে দুটি উড়ান বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমবিবি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে রয়েছে গো এয়ার এবং ফ্লাইবিগ। গো এয়ার বিমান আগরতলা থেকে কলকাতায় পরিষেবা দেবে এবং ফ্লাইবিগ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যাত্রী পরিষেবা দেবে। এতে করে ডোমেস্টিক বিমান ভাড়া অনেকটাই হ্রাস পাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বিমানবন্দরের ডাইরেক্টর রাজীব কাপুর। চলুন দেখে নেই বিস্তারিত। ব্যুরো রিপোর্ট, সোশ্যাল বাংলা। बढ़कर 13 शेड्यूल फ्लाइट्स हो चुकी हैं ऑलरेडी और 3000 से ज़्यादा रोज का पैसेंजर मूवमेंट है। अगले आने वाले महीने में, मई के माह में, दो एयरलाइंस और आ रही हैं, एयर इंडिया और इंडिगो तो चल ही रही है, अब गो एयर और फ्लाईबिग भी आने वाली है, जिसके आने के बाद हमारी 4 एयरलाइंस हो जाएंगी, पैसेंजर मूवमेंट बढ़ जाएगा, एयरलाइंस बढ़ जाएंगी, पैसेंजर मूवमेंट बढ़ जाएगा, फ्लाइट्स हमारी बढ़ जाएंगी। तो उसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि कोविड के जो नॉर्म्स हैं उनका कड़ाई से और सफलता से पालन करें। जो दो फ्लाइट नए आ रहे हैं अगले महीने, वो कहाँ से कहाँ डेस्टिनेशन? देखिए, गो एयर ने तो अपना बुकिंग भी स्टार्ट कर दिया है कैलकाटा से, तो वो फ्लाइट कैलकाटा से आएगी, कैलकाटा से अगरतला, अगरतला से कैलकाटा। और जो फ्लाईबिग है उनका जो शेड्यूल है वो उन्होंने दे दिया है, वो फ्लाइट आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही ट्रैवल करेगी, डिफरेंट सेक्टर्स को कवर करेगी। उसके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन, उनके फ्लाइट टाइमिंग्स, वो भी आने बाकी है। एक बात मैं और जानना चाहता था सर, जैसे कि इंटरनेशनल अभी जो नया जो एयरपोर्ट बन रहा है, लगभग कितना काम मतलब कंप्लीट हो गया है? फाइनल स्टेजेस पर है, हम इसको 30 जून तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जुलाई के फर्स्ट वीक या 10th जुलाई तक इसका उद्घाटन कर सकें। किससे मतलब कोई मिनिस्टर वगैरह कोई मतलब इसका उद्घाटन कौन करेंगे, कोई मिनिस्टर? इसके लिए उद्घाटन के लिए भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, वो हम स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे सीएम साहब को, कि वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए रिक्वेस्ट करें कि वो आएँ, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये गेटवे बनने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट का, और एक शानदार पूरी पूर्ण सुविधाओं से लैस नया एयरपोर्ट आ रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि माननीय प्रधानमंत्री आएँ, बाकी ये सब स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा, चीफ मिनिस्टर साहब पर डिपेंड करेगा कि कैसे इसको उद्घाटन किया जाए और किसके द्वारा किया जाए। जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगा तब जाके और भी फ्लाइट क्या बनने की संभावना है? अभी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए डिसीजन नहीं हुआ है, अभी जब ये नया एयरपोर्ट स्टार्ट होगा, डोमेस्टिक फ्लाइट के साथ स्टार्ट होगा, उसके बाद जब हमें इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल जाएगा, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स का स्टार्ट होगा। लेकिन उसके लिए जो सुविधाएं होती हैं, कस्टम से लेकर, इमिग्रेशन से लेकर, इंटरनेशनल टर्मिनल से लेकर, अराइवल, डिपार्चर, वो सारी सुविधाएं ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी। तो जैसे ही इनको इंटरनेशनल स्टेटस मिलेगा एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होंगी, तो हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार। आरएफएल त्रिपुरार एकमात्र शोरूम बेस्ट बाय। बेस्ट बाये आपनारा पाच्छेन नित्य नतून आधुनिक घर सजानोर उपयोगी विभिन्न रिगल फार्निचार, आरएफएल प्लास्टिक्स, इटालियानो मेलामाइट, आरएफएल गैस स्टोव, आरएफएल टॉयज, आरएफएल बेडिंग आइटेम कम्फी एवं आरएफएल सैनिटरी आइटेमर विभिन्न सामग्री। आमादेर ठिकाना रोनाल्ड रोड नियर जयनगर बस स्टैंड आगरतला त्रिपुरा। आमादेर फोन नम्बर 9774185672। নমস্কার, আমি মৃন্ময়ী। আশা করি এই প্রতিবেদনটি আপনাদের ভালো লেগেছে। লেটেস্ট খবরের জন্য এভাবেই দেখতে থাকুন দা সোশ্যাল বাংলা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করতে ভুলবেন না।